चैप्टर नंबर सेवन जिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कंपाउंड एंगल एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर फोर्टी है इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए कॉस एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी शो दैट फर्स्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू ए बाय अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयेर देखिए आप क्या करो एल एच लो आप क्या मतलब हम फर्स्ट पार्ट का आर ले रहे हैं आर एच एस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके देखिए बी स्क्वायर बी के जगह ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होली स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर ओके अब आप क्या करो ओपन कर लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ओके आप लगाओ ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखें माइनस साइन स्क्वायेर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा पौन में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायेर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ओके अब आप क्या करो इसको और इसको साथ में रखिए मतलब कॉस को और साइन स्क्वायर अल्फा को सा, साथ में रखिए कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा को साथ में, को साथ में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस वाला को साथ में रखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ये वन के इक्वल होता है तो आपका ये और ये वन हो जाएगा अब देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा ओके okay? और कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा ओके तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आप क्या करो कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ साइन स्क्वायर बीटा रख दीजिए और इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा के जगह साइन स्क्वायर अल्फा रख दीजिए और इसको लिख दीजिए टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये वन और ये वन और ये हो जाएगा टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायेर बी किसकी इक्वल होता दिस इज कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी ओकेर ए माइनस साइन स्क्वायर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी यहां बन रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा दिस विल बी कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा ओके और ये हो जाएगा प्लस कॉस बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस अल्फा प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन वन प्लस वन टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अब देखिए कॉस माइनस थेटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थेटा होता है ओके okay? तो मतलब आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस अल्फा यही तो होगा ऑब्वियस सी बात है तो आप क्या करो कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल लीजिए देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा सभी में से कॉमन आ जाएगा ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस टू और अपॉन में टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा ओके तो ये हो जाएगा टू टाइम्स तो ये हो जाएगा टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा ओके तो अब देखिए ये टर्म और ये टर्म के तो दिस विल बी कॉस अल्फा प्लस बीटा ओके तो आपका प्रूफ हो गया देखिए हमको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा इज टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए और बी हमारा ये है देखिए पहले आप क्या करो ए देखिए टू ए बी तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वाज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वाइज टू प्लस टू कॉस अल्फा टू प्लस टू टाइम्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा तो आप यहाँ पे यही लिख दो 2 plus 2 times cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओके देखिए ये टू और ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे अब आप मल्टीप्लाई कर लो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा ये हो जाएगा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा प्लस देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ए साइन ए प्लस बी तो आप इस पूरे को लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा ओके अगर हम इस मेथड से करते हैं ना तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को यूज करना पड़ जाएगा तो अभी हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है तो आप रहने दो आप ऐसे मत करो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन के बराबर होता है ओके तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा देखिए आप वो अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ओके और कॉस अल्फा प्लस बीटा अभी हमने प्रूव करा ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओके तो आप एल्सियम ले लो तो ये हो जाएगा ये इधर चला जाएगा तो पहले आप क्या करो पावर अलग अलग कर दो जब एल्सियम लोगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये इधर तो अगर आपके पास हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का तो ये फोर ए बी होता है ओके okay? क्या होता है फोर ए बी अगर आपको नहीं पता चले ना कोई दिक्कत नहीं आप खोल के खोलोगे ना तो, तो यही आएगा जब आप इसको ओपन करोगे ना तो यही बनेगा ओके okay? तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो फोर ए बी तो बी के जगह क्या है ए के जगह बी स्क्वायर और बी बी के जगह ए स्क्वायर तो यह हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फोर ए स्क्र बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर होगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा देखिए आप इस तरह से भी प्रूफ करोगे तो प्रूफ हो जाएगा लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पता हो तो आप कर सकते हो आप क्या करो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी टू से मल्टीप्लाई कर दो इतना कर दिए ओके okay, अब देखिए ये क्या बन रहा है टू शाइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज शाइन टू थीटा ये होता है टू शाइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा ए साइन टू थीटा तो आप इस चीज़ को लिख दो साइन टू अल्फ़ा इस चीज़ को लिख दो शाइन टू बीटा प्लस टू अल्फा प्लस बीटा ओके ये हो जाएगा टू वन प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन सी प्लस डे बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू देखिए ये सी और ये डी तो आप यहाँ पे यूज कर लो टू साइन सी प्लस डी बाई टू टू अल्फा प्लस टू बीटा अपॉन टू तो टू से टू कैंसिल क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा अब साइन सी माइनस डी तो साइन सी माइनस डी सॉरी सॉरी कॉस सी माइनस डी होता है तो ये हो जाएगा टू अल्फा माइनस टू बीटा अपॉन टू ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू वन प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा ये टू से ये टू कैंसिल साइन अल्फा प्लस बीटा आप कॉमन कर लो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल तो आपका क्या हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा प्रूफ हो गया आप Example number 41, if alpha and beta are the solutions of the equation a tan theta plus bc theta equal to c then so that tan alpha plus beta equal to 2ac upon a square minus c. Okay. तो आप एल एच एस ले लो एल एच एस इज टेन अल्फा प्लस बीटा तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ओके तो हमको टेन अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या करो इस इक्वेशन को सॉल्व करो देखिए ये इक्वेशन के दो रूट हैं एक अल्फा और दूसरा बीटा इक्वेशन है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा क्वल टू सी इस बी सिकंड थीटा को इधर भेज दीजिए हो जाएगा ए टेन थीटा मतलब क्या करो इसको इधर ले आओ माइनस सी और इसको इधर भेज दीजिए माइनस बी सिकेंड थीटा अब आप क्या करो स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइड तो ए टेन थीटा माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर ओके देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क् ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ओके तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस टू ए बी तो माइनस टू ए सी टेन थीटा प्लस इसका स्क्वायर इस, सी का स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी के स्क्वायर थीटा ओके अब देखिए ये दोनों टेन में है और ये सिकेंड में है तो आप इसको भी टेन में कन्वर्ट कर दीजिए तो सेक्स स्क्वायर थीटा इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो हम यहाँ पे यही करो ए स्क्वायर ए टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे ये यह रख दो आप बी स्क्वेर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ओके ए स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी टेन थीटा प्लस से स्क्वायर इक्वल टू आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ओके अब आप क्या करो इसको भी इधर ले आइए तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस में और टेन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वेयर थीटा बनेगा मतलब कुछ ऐसा होगा जैसे ये इस साइड है तो ये इधर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या बनेगा माइनस में बनेगा और आप टेन स्क्वेयर थीटा को कॉमन करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्लियर ये हो जाएगा माइनस टू ए सी टेन थीटा और ये बी इधर आएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अब जैसे कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है ये इक्वेशन का रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है ओके अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है क्योंकि यही इक्वेशन से तो ट्रांसफॉर्म करके हम ये इक्वेशन बनाए ओके तो दोनों सेम है अब देखिए तो जो अल्फ़ा और बीटा होंगे ना इस इक्वेशन के भी रूट्स होंगे क्लियर है अब देखिए मैं बोल दूं कि इस इक्वेशन का रूट जो है वो टैन अल्फ़ा और टेन बीटा है तो गलत तो नहीं होगा देखिए क्यों कि अगर आप पुट करते हो पुट अल्फा थीटा के जगह अगर आप अल्फा पुट करते हो तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए सी टेन अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो ओके अगर आप ये कर देते हो अगर आप बोलोगे लेट टेन अल्फा इक्वल टेन अल्फा इक्वल टू एक्स तो देखिए ना ये कन्वर्ट हो जाएगा ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा और एक रूट क्या हो गया एक्स जैसे आप ऐसा समझिए अगर आपका इक्वेशन है अगर आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ओके okay, तो देखिए एक्स इक्वल टू टू जो है ना इसका रूट है एक्स इक्वल टू टू है इसका रूट है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा उसी तरह से देखिए ये इक्वेशन एक्स में कन्वर्ट हो गया और एक्स के जगह आप टेन अल्फ़ा डालोगे ना तो यही बनेगा तो मतलब अल्फा भी इसका रूट हो गया और टेन अल्फ़ा भी इसका रूट हो गया ओके okay, तो जनरली इसका रूट क्या है टेन अल्फा है क्यों क्योंकि जो ये इक्वेशन है ना ये टेन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके रूट्स क्या हो जाएंगे टेन अल्फ़ा और टेन बीटा हो जाएंगे क्लियर है आपको यहाँ से तो क्लियर हो ही गया होगा क्यों हमने बोला क्योंकि देखिए ये एक्स में कन्वर्ट है आप एक्स के जगह टू डाल रहे हो तो टू क्या है रूट है उसी तरह से एक्स को जब आप टेन अल्फ़ा डालोगे ना तब जो है tan मतलब एक्स को आप टेन अल्फ़ा डालोगे तो ये ज़ीरो इक्वल हो जाएगा तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा इसके रूट्स हो जाएंगे क्लियर है आप देखिए अगर आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होता है और अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आप एक्स के जगह अल्फ़ा और एक्स के जगह बीटा रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी के तरह उसी के जैसा यहाँ पर जब एक्स को आप टेन अल्फ़ा रिप्लेस करोगे ना तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा अल्फ़ा रिप्लेस कर दोगे तो नहीं करेगा ओके तो इसलिए इसके रूट्स के हैं टेन अल्फ़ा और इसी तरह से टेन बीटा हो जाएंगे अब देखिए इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ओके। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई उसी तरह से यहां रूट्स है टेन अल्फा तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा क्या होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस बी बाई ए तो ये हो जाएगा माइनस दिस इज दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी माइनस बी बाई ए माइनस टू ए सी अपॉन ए दट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए सी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वायर ओके अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा दैट इज टेन अल्फा टेन बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए तो सी इज दिस सी स्क्वायेयर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके अब आप इनको सब्सिट्यूट कर दो यहाँ पे देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा इज टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए ये हो जाएगा टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आप एल्शियम लोगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे क्या बचेगा टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर देखिए आपको यही प्रूफ करना था ओके तो प्रूफ हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फोर्टी टू है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी देन सो दैट ये दोनों दो, देखिए सॉल्यूशन और रूट से सेम आ जाते हैं मतलब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी अल्फा और बीटा क्या है इस इक्वेशन के रूट हैं आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी देखिए आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना है ना तो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए तो हम क्या करें ना इसको कॉस में क्वाड्रेटिक बनाने के तो आप क्या करो इस सी को इधर ले आइए और इस बी को उधर भेज दीजिए अब आप क्या करो स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइन तो हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर अब देखिए आप इसको ओपन करोगे ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी माइनस टू ए सी कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर देती सी स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके अब आप क्या करो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन के इक्वल होता है तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जब वन माइनस कॉस स्क्टा ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओके okay. अब आप क्या करो इस टर्म को इधर शिफ्ट करिए तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा देखिए इधर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा तो प्लस बना देगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर यही बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा प्लस ये बी स्क्वायर जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो इसको फर्स्ट बोल दीजिए अब इसी तरह से इसी इक्वेशन को आप साइन में कन्वर्ट करो देखिए हम कॉस में क्यों कन्वर्ट किए देखिए इस इक्वेशन के रूट जो है ना वो क्या होंगे देखिए हम इस इक्वेशन को ही यही इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके ये इक्वेशन बनाए हैं और इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे अल्फा और बीटा तो इस इक्वेशन के ही रूट क्या होंगे कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा देखिए क्यों होंगे कॉस अल्फा और कॉस बीटा अगर आप अल्फा रिप्लेस करते हो ना इस इक्वेशन में तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए सी कॉस अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये बन जाएगा अल्फा रिप्लेस करने पर अगर आप लेट कर लेते हो कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स तो ये आपका इक्वेशन किस में कॉडेटिक हो जाएगा एक्स में और जो आप एक्स को इस इक्वेशन में रखोगे और वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप बोलोगे वो उसका रूट है वो इक्वेशन का रूट है जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू टू जो है वो इस इक्वेशन के रूट है ऐसा क्यों क्योंकि थ्री को आप जब इस इक्वेशन में रिप्लेस करोगे ना तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा इसलिए जो थ्री है इस, इसका रूट है अब देखिए ये 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 आपका ज़ीरो के इक्वल होगा क्यों होगा क्योंकि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है ये तो आप मानते हो अब देखिए मैंने कॉस अल्फा को एक्स ले लिया तो ये भी हो गया और जब आप कॉस अल्फा इसमें रिप्लेस करोगे तो यही तो बनेगा आप जब कॉस अल्फा को रिप्लेस करोगे तो यही तो बनेगा और जो आप देखिए एक्स के जगह थ्री रिप्लेस किया तो थ्री आपका रूट हो गया तो एक्स के जगह जब कॉस अल्फा रिप्लेस कर रहे हो तो आपको सेट मतलब कॉस अल्फा सेटिस्फाई कर रहा मतलब ऐसा समझ लीजिए तो कॉस एक्स इक्वल टू मतलब कॉस अल्फा क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा इसीलिए अब मैंने बोला कॉस अल्फा और कॉस बीटा क्या है रूट्स हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या हो जाएगा हमको प्रोडक्ट्स ऑफ रूट ही तो चाहिए ठीक है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा ही तो चाहिए तो वो क्या हो जाएगा सी बाई ए तो सी इज दिस अपॉन ए दिस ये हो गया नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन आप इस एक्सप्रेशन को क्या करो अब साइन में कन्वर्ट कर दूँ इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए मतलब इस टर्म को आप इधर ले आइए और साइन को इस तरफ रहने दीजिए और कॉस को उधर इस साइड भेज दीजिए और सेम काम कीजिए स्क्वायरिंग कर दीजिए जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या वन नॉट हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी दैट इज तो माइनस टू बी सी साइन थीटा फिर इसका स्क्वायर तो सी स्क्वायर इसका स्क्वायर ए कॉस थीटा अब देखिए कॉस कॉस में साइन में बदलिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ए इसको इधर भेज वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा बे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा प्लस से स्क्वायर ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओके बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा प्लस से स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर लो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओके अब आप इसको इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा मतलब जो यहाँ कर रहे थे ना बस सब कुछ उसी तरह से होते जाएगा इस ए स्क्वायर को इधर ले आओगे ये बन गया अब देखो इस इक्वेशन के आपके दो रूट्स है एक अल्फा और एक बीटा तो जब आप अल्फा और बीटा रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा लेकिन हमारा इक्वेशन होता है क्या ऐसा है हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो आप x ले लो लेट कर लो x इक्वल टू साइन अल्फा माइनस टू बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर लिए अब देखिए साइन अल्फा इस इक्वेशन का रूट है देखिए साइन अल्फा डालोगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा क्यों कर जाएगा देखिए ना आप साइन अल्फा रिप्लेस करोगे तो यही तो बनेगा और ये तो जीरो के बराबर है इसलिए सेटिस्फाई कर जाएगा इसी तरह से साइन बीटा भी सेटिस्फाई कर जाएगा तो साइन अल्फा और साइन बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए तो दिस अपॉन दिस देखिए ये आपका सी है और ये आपका ए है तो हो गया आपको यही दोनों तो चाहिए था अब यहाँ पर रख दीजिए आपका काम खत्म क्लियर है तो फर्स्ट पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज़ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा तो आप रख दो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अच्छा बीच में माइनस भी तो आएगा ना माइनस है ना तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया उसी तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा तो कॉस अल्फा इज दिस साइन बीटा ए अल्फा एंड साइन बीटा इज दिस एलसीएम तो सेम आ जाएगा और ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनट सेम है तो ये बन जाएगा टू सी स्क्वायर माइनस कॉमन कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपका प्रूफ हो गया देखिए हम सम ऑफ रूट्स इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको सम ऑफ रूट्स से कोई लेना देना था नहीं हमको तो बस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए थी और साइन अल्फा और साइन बीटा की तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से आ जाते हैं ओके और आपको पता है अगर इक्वेशन ऐसा है तो इसके अगर दो रूट्स है अल्फा और बीटा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई हमने तो यहाँ पे यही करा है ओके